आपका मेरी YouTube चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जो कि है कम्बशन एंड फ्लेम। तो आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल को तो देखा ही होगा, जैसे कि डीजल यूज़ करते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो आपको पता होगा कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री में क्या क्या फ्यूल्स यूज़ होते हैं और क्या ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए कौन से फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि काउ डंग यूज़ किए जाते हैं, वुड है फ्यूल्स में जो कि है चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एसेट्रा, जो कि एक एग्जांपल आपका आता है बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो यहाँ पे आपको बोला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक ऑयल। तो ये बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ फ्यूल जो कि है कोल, तो इसमें क्या डिफरेंस होते हैं, तो हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो व्हाट इज़ कॉम्बर्शन, तो कॉम्बर्शन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म करता है और ये प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट को। तो यहाँ पे आपको देखा होगा कि चारकोल जो है वो बर्न करते हैं एयर में, प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, तो ये चारकोल है बर्न करने से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कम्बशन का मीनिंग क्या होता है, जो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से ताकि वो हीट को इवॉल्व कर सके, तो उसे हम कहते हैं कम्बशन। और जो कम्बस्टिबल होता है, जिसे हम कहते हैं जो सब्सटेंस होता है उसे हम कह सकते हैं कि वो कम्बस्टल है, कम्बस्टिबल है, तो उसे हम कहते हैं फ्यूल। तो फ्यूल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं या समटाइम्स गैस भी हो सकते हैं। और जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं मैग्नीशियम और चारकोल का, तो उसे हम कम्बस्टिबल सब्सटेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 6.1 दिया गया है जिसमें कम्बस्टिबल और नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस को यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे भी आपका एक्टिविटी है 6.2 में एक्सपेरिमेंट जिसमें बर्निंग ऑफ कैंडल जो है प्रेजेंस ऑफ एयर उसमें दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आपका 6.3 भी है। तो यहाँ है एक पर्सन जिसको अगर फायर कैच करता है तो उसे हम कैसे बचा सकते हैं, उसे हम एक ब्लैंकेट की मदद से उसे कवर कर सकते हैं और ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उसे हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वो पर्सन को फायर से ज़्यादा उसे इफ़ेक्ट ना कर सके। जैसे कि मैच स्टिक बर्न होते हैं, हाउ डज इट बर्न, तो ये कैसे बर्न होते हैं ये आपको पता होगा, मैच स्टिक्स ना आपने जलाए होंगे। यहाँ पे आपका फॉरेस्ट फायर का पिक्चर है। और जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस फायर को कैच कर सकता है तो उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो अगर एक वुड जो कि हीट करता है और ये फायर को कैच ज़्यादा नहीं कर सकता है तो उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। केरोसिन जो है वो भी इसमें ही आपका एग्जांपल आ सकता है। और जो केरोसिन है वो अगर प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर में बर्न किए जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इसे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम केरोसिन को एक स्टोर कर सकते हैं, यानी कि एक बकेट जो होता है या आपका बॉटल जो होता है उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक आपको इमेज दिख रहा होगा जिसमें फायरमैन जो है वो फायर को बुझा रहे हैं पानी की मदद से। जो सब्सटेंस होते हैं वो बर्न करते हैं लो इग्निशन टेम्परेचर में और जो फायर को कैच कर सकते हैं ईजिली, यानी कि जल्दी उसे कैच कर सकते हैं, फैला सकते हैं, तो उस फ्लेम को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो आपका एग्जांपल आता है पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG एसेट्रा। और हाउ वी कंट्रोल फायर, तो हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसमें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर की मदद से, जो कि कम्बस्टिबल मटेरियल जो होता है और जो टेम्परेचर है उसका इग्निशन टेम्परेचर के बिलो होता है और ये प्रिवेंट करता है फायर को स्प्रेड करने से, तो स्प्रेड जल्दी नहीं होते हैं। तो इसमें फ्यूल भी आता है जो कि है सप्लाई टू ऑक्सीजन, और जो हीट भी होता है वो टेम्परेचर की मदद से रेज होता है, फायर उसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स की मदद से। और जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो भी सप्लाई करते हैं एयर को और ये टेम्परेचर को बिलो कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा
फैल ना जाए। तो यहाँ पे है आपका टाइप्स ऑफ कम्बशन। तो कम्बशन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो गैस बर्न होता है रैपिडली और प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट को, उस कम्बशन का हम कहते हैं रैपिड कम्बशन। और जो सब्सटेंस होता है उसमें फॉस्फोरस जो बर्न करता है रूम टेम्परेचर में, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका स्पॉन्टेनियस कम्बशन जो कि है एक टाइप ऑफ कम्बशन जिसमें मेटल सडनली बर्स्ट करते हैं इनटू फ्लेम्स विदाउट एप्लीकेशन, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन। यहाँ पे है आपका एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन किसे कहते हैं हम, जिस रिएक्शन में आपका साउंड प्रोड्यूस होता है यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म होते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन जो है वो प्रेशर के रूप में भी अप्लाई किए जा सकते हैं। और जो फ्लेम है, जैसे कि आपने एलपीजी फ्लेम को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, या बर्निंग ऑफ कैंडल को भी ऑब्जर्व किया होगा। तो यहाँ पे आपका एक पिक्चर भी है, फिगर भी है 6.9 में, फ्लेम्स ऑफ कैरोसिन लैम्प कैंडल और बर्नसन बर्नर। यहाँ पे आपका है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। तो फ्लेम के कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं जो वेपराइज करते हैं ड्यूरिंग बर्निंग उसमें फ्लेम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है कैरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स जो कि राइज करते हैं और वेपराइज हो जाते हैं बर्निंग में ड्यूरिंग बर्निंग और ये फ्लेम्स में प्रोड्यूस होते हैं। जिसके आपका एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है चारकोल जो कि वेपराइज नहीं करता है लेकिन वो फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जिसके आपका कैंडल फ्लेम जो है स्टीडी होता है, उसमें आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हो 6.10 में एक एग्जाम्पल है आपका। तो आपको यहाँ पे पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जो कि आउटसाइड द फ्लेम है वो रेड हो जाते हैं, यानी कि वो हॉट हो जाते हैं और ये कलर रेड हो जाए होते हैं। तो इसमें आपको क्या मिल सकता है इंफॉर्मेशन कि ये इंडिकेट करता है कि ये नॉन ल्यूमिनस जोन है। तो यहाँ पे आपका देखा होगा डिफरेंट जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम जो कि हॉटेस्ट पार्ट और आउटरमोस्ट जोन भी है, कंप्लीट कम्बशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो हॉटेस्ट पार्ट ये है मॉडरेटली हॉट, ये है लीस्ट हॉट, वैक्स कैंडल, ये है कम्बशन ब्लू, ये है मिडल जोन और ये इनरमोस्ट जोन। तो यहाँ पे आपका गोल्डस्मिथ देख रहे हैं ब्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक पाइप। तो व्हाट इज फ्यूल, तो फ्यूल क्या होते हैं, जो फ्यूल है जैसे कि एग्जांपल है आपका वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, तो इस सब्सटेंस को हम कहते हैं फ्यूल। और गुड फ्यूल क्या होते हैं, जिसमें रेडीली अवेलेबल होते हैं, चीप होते हैं यानी इजीली हमें मिल सकते हैं और ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये यहाँ पे आपका एग्जांपल आ जाते हैं। और आइडल फ्यूल्स है, आइडल फ्यूल्स में आपका जो है प्रोबेबली फ्यूल नहीं होते हैं, यानी कि जिसे हम फ्यूल प्रोबेबली नहीं कह सकते, तो इसे हम कहते हैं आइडल फ्यूल्स। फ्यूल जो होते हैं वो डिफर इन कॉस्ट भी होते हैं, सम फ्यूल जो है वो चीपर होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूल एफिशिएंसी में, कैलोरिक वैल्यू जो कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल, तो उसे हम कहते हैं कैलोरिक वैल्यू। और जो कैलोरिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल है एक्सप्रेस किए जाते हैं यूनिट में, जो कि जिसे हम कहते हैं किलोजूल पर केजी, केजे इज टू केजी। तो ये कैलोरिक वैल्यू है, सम एग्जांपल्स है आपके यहाँ पे 6.3 में और ये 6.4 में आपका डिफरेंट फ्यूल्स के वैल्यूज बताए गए हैं। यहाँ पे है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीडिंग टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, तो ये कार्बन फ्यूल्स है जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज करते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को, और ये फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो डेंजरस पॉलिटेंस है और इससे हमें रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा, इससे हम प्रिवेंट हो सकते हैं, यानी कि अस्थमा हमें इफेक्ट कर सकते हैं। और इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये वेरी पॉइजनस गैस है, इससे डेंजरस है बर्न ऑफ कोल में और ये क्लोज रूम में यूज़ किए जाते हैं। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो उससे पर्सन जो है उन्हें किल भी कर सकते हैं स्लीपिंग के, यानी कि वो जब सो रहे होते हैं तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि ये पर्सन जो है वो सो रहा है या उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो ये थर्ड नंबर पे है कम्बशन ऑफ फ्यूल्स से क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट में ज़्यादा रिलीज होने से ग्लोबल वार्मिंग को कॉज किए जाते हैं। और दूसरा है आपका एसिड रेन जो कि पेट्रोल इंजिन को
यूज़ ज़्यादा करने से होते हैं, क्योंकि कोल और डीजल जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं और ये वेरी सफोकेटिंग गैस है और कोरोसिव गैस होते हैं, तो इसीलिए ये पॉइजनस होते हैं। और जो ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रिप्लेस किए गए हैं पेट्रोल को, जैसे है CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, क्योंकि इससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स वेरी स्मॉल अमाउंट में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये CNG जो है वो क्लीनर फ्यूल है एज कंपेयर टू पेट्रोल। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़े एक्सरसाइज दिए गए हैं, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।